ननद सबा के मिसकैरेज पर भाभी दीपिका का दर्द छलका। कभी सबा की ही तरह दीपिका को भी खोना पड़ा था अपना बच्चा। ननद के मिसकैरेज की खबर सुन सिमर बहू को याद आए अपने दर्द भरे दिन। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक तरफ जहां जल्द ही उनके घर में खुशियां आने वाली हैं, वहीं खुशियों के आने से पहले दीपिका के ससुराल में दुखों ने भी दस्तक दे दी है। जैसा कि सब जानते हैं कि दीपिका की ननद सबा इब्राहिम पर हाल ही में दुखों का पहाड़ टूट गया है। कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के चलते सबा का मिसकैरेज हो गया है। बेबी को खोने के बाद जहां एक तरफ सबा इमोशनली टूट गई है, वहीं वो खुद को संभालने की कोशिश भी कर रही हैं। सिर्फ सबा ही नहीं बल्कि इस बुरी खबर ने उनकी भाभी दीपिका कक्कड़ को भी तोड़ दिया है, जिसकी एक नहीं बल्कि दो दो वजह हैं। सबा के बच्चे को खोने के साथ ही दीपिका को अपना वो दौर भी याद आ गया है जब सबा की तरह ही उन पर भी मिसकैरेज का पहाड़ टूटा था। बता दें कि इससे पहले दीपिका का भी मिसकैरेज हो चुका है, वो भी तब जब वो भी 6 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी। ऐसे में जन्म से पहले ही अपने बेबी खोने का दुख क्या होता है वो समझती हैं। ननद भाभी ने एक जैसा ही दुख झेला है। ऐसे में सबा के मिसकैरेज को दीपिका ने अपने मिसकैरेज से जोड़ते हुए अपना दर्द बयां किया है। हाल ही में अपने एक व्लॉग में दीपिका ने सबा के मिसकैरेज के बारे में बात करते हुए बताया है कि सबा खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दीपिका कक्कड़ ने आगे बताया कि वो भी दर्द से गुजर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि हम कई सारी लेडीज इस फेज से गुजरे हैं, मैं भी गुजरी हूँ। उस टाइम पर जो आपको इमोशनल हर्ट होता है, जो तकलीफ होती है, जो बुरा लगता है, उसे कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन हमने हिम्मत रखी। जो हुआ है ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। हालांकि वो दर्द और मायूसी वाला दौर गुजर चुका है। दीपिका कक्कड़ अपने प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं। उनकी डिलीवरी के दिन बेहद करीब हैं। वहीं बात करें सबा की तो आपको बता दें कि सबा और सनी की शादी को 6 महीने हुए हैं। नवंबर 2022 में शोएब ने अपनी बहन सबा की धूमधाम से शादी की थी। कुछ दिनों पहले ही सबा ने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज सभी चाहने वालों के साथ शेयर की थी, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। कुछ हफ्तों की प्रेगनेंसी में सबा को ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर ने सबा को कम्प्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी थी। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी सबा की बेबी को बचाया नहीं जा सका। 8 मई को रूटीन चेकअप के दौरान सबा और सनी को जानकारी मिली थी कि बेबी की हार्ट बीट नहीं चल रही है, जिसके बाद मजबूरन सबा को अपना अबॉर्शन करवाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।